वेलकम टू माई चैनल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये गीत मोस्ट फेमस मोस्ट पॉपुलर गीत है, आप सभी लोगों को पता है। और ये भी बात बहुत लोगों को पता है, मैं वैसे ही बता देता हूँ, ये गीत ताल के अंदर रिदम के अंदर सही स्वर में गाना अपने आप में बहुत कठिन काम है। रोमांटिक सॉन्ग है, महान सिंगर के द्वारा लता जी रफ़ी साहब के द्वारा गाया हुआ है। जितना फेमस गीत है उतना ही थोड़ा सा टेढ़ा भी है, और जो टेढ़ा काम है उसी से हम लोग संगीत सीख भी सकते हैं, बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं रिदम प्ले करूँगा, दादरा ताल के अंदर है। मैं जो स्वर समूह अभी बजाया हूँ तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, मोस्ट फेमस थाट के ऊपर है, यमन थाट, यमन कल्याण राग के लिए थाट कह लीजिए, चूँकि थाट बेस करके हम लोग चल रहे हैं तो उसके ऊपर है। स्वर बताऊँगा पूरा स्केल, अभी मैं दिखाने वाला हूँ हारमोनियम क्लोज करके, मैं ओरिजिनल स्केल से अभी गा रहा हूँ। पहला काम अभी ये कर लीजिए कि रिदम को फिट कर लीजिए, मैं जितना देर गुनगुनाऊंगा उतना देर आपको रिदम फिट करना है। रिदम कैसे फिट करना है, जब आपका ताल मजबूत हो जाएगा ना तो चीज़ जो छोटा छोटा चीज़ जो टेढ़ा जो कठिन काम किया गया है गला के द्वारा वो आप कर सकते हैं ताल के अधीन रह के, ताल के अंतर्गत रह के, नहीं तो फिर फिसलने का डर रहेगा, टूटने का डर रहेगा, ताल कटने का डर रहेगा, तो ताल कटने के बाद गाने में मजा नहीं, तो मूड किरकिरा हो जाएगा। तो अभी मैं दादरा ताल के अंदर ये सॉन्ग है, ओके, तो मैं रिदम प्ले करता हूँ। दादरा ताल का आपको ताली कैसे देना है ये देख लीजिए, और मेरे साथ साथ देते रहिएगा, जितना देर मैं डेमो गुनगुनाऊँगा उतना देर तक ये काम आप करते रहिएगा। दादरा ताल छः मात्रा की ताल है, धा धी ना, ये तीन मात्रा हुआ, फिर धा ती ना, ये ओके, तो ये कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना, मुंह से नहीं भी बोलते थे, फिंगर चलते रहना चाहिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 भी कह सकते हैं। लेकिन इस रिदम में, जिस रिदम में मैं गा रहा हूँ, तबला ऐप में जब आप जाएंगे तो 160 टेम्पो में मैं अभी डेमो गुनगुना रहा हूँ, तो आपको इसी में रिदम में ताली देते रहना है, मैं गुनगुनाते रहूँगा। अब फिर उसके बाद एक तो ताल मजबूत हो जाएगा, फिर स्वर देखना है कि कुछ जगह ऐसा कठिन काम है जिसको अगर नहीं समझते हैं तो आप बेसुरा हो जाइएगा। तो पूरा सॉन्ग बिगनर्स से लेके और एडवांस लेवल के लोगों तक के स्टाइल में मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी रिदम आप ठीक कर लीजिए इस रिदम साउंड के साथ। यहाँ ये बज रहा है, आपका ताली स्टार्ट हो जाना चाहिए, अभी ना जा छोड़
जबरदस्त तरीका है ताल पे कंट्रोल करने के लिए। दादरा ताल में करोड़ों करोड़ गीत, कोई आदमी भर दिन भी लिस्ट बनाए, एक सप्ताह भी लिस्ट बनाए, या किसी भी नेट पे गूगल पे आप चले जाएं, मजा नहीं कि एक बार में सिर्फ ये लिखें आपकी ऑल सॉन्ग ऑफ इन दादरा ताल आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऑल सॉन्ग ऑफ कहरवा ताल आ जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि गूगल भी नहीं ढूंढ सकता है, इतने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों सॉन्ग हैं और पैटर्न यही है, ताल यही है, सिस्टम यही है। तो और ये सब गीत ज़बरदस्त तरीका से रियाज में शामिल करने वाला है। अब इस तरीका से ताल पे कंट्रोल, ऐसे भी ओरिजिनल सॉन्ग भी आप लगा सकते हैं और लगा के कान में हेडफोन लगा लिए या साउंड बॉक्स में लगा लिए और ये ठेका चलते रहना चाहिए फिंगर का। बहुत सारे लोग हमारे चैनल पर कमेंट करते हैं सर ताल कटता है, ताल में नहीं हो पाता है। और एक बात और जानिए कि जब ताल पे आपका नियंत्रण हो जाएगा ना, तो कठिन चीज़ भी करने का आप जब स्वर खोजने लगेंगे, जब स्वर को कठिन स्वर समूह को मुड़की खटका को आपको लगाने में बड़ी सहूलियत होगी। जब ताल पे कंट्रोल होगा तो आपको टाइमिंग पता चल जाता है कितना देर में उस चीज़ को करना है, ये चीज़ पता चल जाती है। तो ये एक तरीका था ताल कंट्रोल करने के लिए। अभी आइए मैं इस चीज़ को राग थाट सही स्वर किस हिसाब से गा सकते हैं हारमोनियम क्लोज करके दिखाता हूँ। कमेंट ज़रूर करेंगे। ऑनलाइन क्लास के लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं, कॉल कर देते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा सा। जब मैसेज के जरिए आपका कमेंट आएगा, जानकारी आप लीजिए अगर इच्छा हो पर्सनली सीखने का। वैसे जगह का बहुत अभाव है, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, फिर भी कोई आदमी बहुत ज़्यादा अगर इच्छा रखते हैं तो टाइम एडजस्ट किया जा सकता है। तो व्हाट्सएप नंबर नीचे में है, इस पर मैसेज करके जानकारी लेना है कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लास, तो या मैं सीखना चाहता हूँ, इतना भी लिख देंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हाय हेलो भेजते हैं तो उसका रिप्लाई करने का टाइम नहीं है, तो जब ज़रूरत से मैसेज भेजेंगे तो उसका रिप्लाई भी मिलेगा, फी भी लगता है, वो सारा बात आपको बताया जाएगा। तो बहुत सारे लोग फिर उसमें एक्सक्यूज लगाने लगते हैं, तो ये सब चीज़। तो फिर आप मेरे चैनल से जुड़ के रहिए और बहुत अच्छा आप लोगों का कमेंट आ रहा है उसके ऊपर मैं लेसन बना रहा हूँ। आइए इसको देखता है, दिखाता हूँ मैं क्लोज करके हारमोनियम के साथ किस हिसाब से इसको सही स्वर में गा सकते हैं। ताल प्रैक्टिस करते रहिए, आइए देखते हैं। मोस्ट फेमस कल्याण थाट के ऊपर है, कल्याण राग भी कह सकते हैं। ओरिजिनल स्केल दूसरी काली से मैं अभी गाया था डेमो में और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सी शार्प, क्योंकि थोड़ा ऊँचा भी जाना है तो बाद में नोट सही देख लेने के बाद कहीं से भी स्केल आप ढूंढ लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैं वो चीज़, स्वर भी कठिन है, मैं वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जिस चीज़ का सिंपली प्रैक्टिस करके एक बिगिनर्स लोग भी इस गीत पे नियंत्रण कर सकते हैं। क्या करना है ये देखिए, कॉर्ड पोजीशन यमन, यहाँ से अगर यमन, अभी अभी मैंने वीडियो बनाया है कई यमन पे, तो यहाँ से स्वर खोजते हैं तो मौ तीव्र बाकी स्वर शुद्ध, ये आपको पता है। यही नोट, अब आपको क्या करना ये देखिएगा, पहला कॉर्ड, दूसरा कॉर्ड, तीसरा कॉर्ड और यहाँ से ये चौथा कॉर्ड भी। ओके, तो कॉर्ड पोजीशन को लीजिए और इस हिसाब से इसका एक प्रैक्टिस कीजिए। मुंह से सरगम भी बोल सकते हैं, लेकिन करना के, ये जो हो रहा है ये सेम दादरा का वो जो बीट है उसमें हो रहा है। ता दी ना धा ती ना धा, जैसा हाथ नहीं दिखा था, ता दी ना धा ती ना धा दी ना, ओरिजिनल ताल में लगा के भी ऐसा कर सकते हैं। पग सा पग सा पग सा पग धमारे 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 नी पग नी पग नी पग नी पग रे नी सा रे नी परे नी परे, ये जरूर कर लीजिए। अवरो में भी आरो में भी कॉर्ड पोजीशन के स्वर को थ्री तीन तीन मात्रा में वन टू थ्री वन, उधर से जाने में भी वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री, ये जरूर कर लीजिए, बहुत आसानी हो गई। और इसका यूज भी इस तरीका के पैटर्न का यूज भी किया गया है इस सॉन्ग के अंदर।
तो वो भी आपके लिए बहुत एक बेनिफिटेड हो जाएगा जब इसकी तैयारी आप कर लेंगे। ओके, आगे चलिए सीखते हैं सॉन्ग को किस हिसाब से आप गा सकते हैं। स्वर बताते जाऊंगा, देखते जाइएगा। गौ से लीजिएगा, ये कॉर्ड बेस कॉर्ड है। अभिन शुद्ध म भी बहुत बार प्रयोग हुआ है। अभिन जाओ जाओ छोड़ कर, क्या क्या स्वर लगा? ग ग म ग रे ग, ग ग म ग रे ग रे नी नी ध नी रे। अभी ना जाओ, अच्छा ग के बाद डायरेक्ट नी पे आइए। ग ग रे ग, ग ग म ग रे ग नी नी ध नी रे। अभी ना जाओ ये लीजिएगा, नी सा ध नी रे छोड़ कर, के दिल रे रे नी, के दिल यहां से, के दिल अभी, सॉरी के दिल अभी अभी प में भी अभी अभी उतर जाता है। अभी शुद्ध मां में भरा नहीं भरा, फिर से के दिल अभी भरा नहीं भरा भरा नहीं। ओके, अभी ना जाओ कई तरीका से, अभी ना कई तरीका से है, तो सहूलियत के मुताबिक कर लीजिए। उसके बाद बीच में एक म्यूजिक पैटर्न बजा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ताल नहीं कटेगी। ये पैटर्न म्यूजिक का ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त का बनेगा दादरा में, यमन कल्याण में, दादरा में यमन कल्याण में किसी भी सॉन्ग में यूज कर सकते हैं, देख लीजिए क्या है। सा नी रे सा ध म प ग सा प ग सा प ग, आराम से देख लीजिए। सा नी रे सा ध म प, उसके बाद ग सा प ग सा प ग सा प ग। अभी यहीं पे अभी है, यहीं पे सम भी है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, वो पैटर्न जो मैंने रियाज करने बोला था वो बजाइए। पग सा पग सा पग सा, अभी गौ में अभी तो, अभी अभी तो, अभी गौ ग म ग प, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो फिजा। ध्यान से कॉर्ड लेके बहुत ही कोमलता के साथ, हवा जरा हवा जरा ग ग म प सा, लेकिन म प गौन रखिएगा सा में और गौ का, ये दोनों मजबूत रहे। हवा जरा महक, फिर से हवा जरा महक सानी पमा। ओके, हवा जरा महक तोले तोले, फिर शुद्ध मा तीव्र मा शुद्ध मा तीव्र मा शुद्ध मा, यहाँ देखिए कंपोजिशन। हवा जरा महक तोले नजर 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 जरा बहक तोले। ओके, ये शाम धोमे, ये शाम गम ध, ये शाम कॉर्ड भी ले सकते हैं।
ये शाम ढल तुले जरा यमन में ये भी कॉर्ड लगता है, जब प्रैक्टिस करेंगे उस पैटर्न का तो यहाँ भी करिएगा। फिर से देखिए, ये शाम ढल तुले जरा गम धा नीध साधा मा साधा, ये शाम ढल तुले जरा। संभल तो अब यहाँ देख रहे हैं कोमल नी लग रहा है ध्यान से, तो ले जरा जरा सानी धपा मामा सानी धपा मागा, लेकिन यही नहीं जरा जरा मैं थोड़ी देर जी तो लूं, ये इसको करिएगा, मैं थोड़ी दे दे पदनी सा थोड़ी देर, दोनों नहीं है तो पहले जाने में ये लीजिए आने में ये लीजिए, मैं थोड़ी देर जीत लूं, आराम से देखिए जीत लूं नशे के घोट पे तो लूं, अभी तो गम पानी नी अभी ये से लीजिएगा, अभी तो कुछ कहाँ नहीं नीनी, अभी तो कुछ का रे में कहाँ रे निशा कहाँ नहीं, अभी पपरे अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी पॉज से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अभी 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 ये नहीं कीजिएगा, ये कीजिए, अभी तो कुछ कहाँ नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं। ओके ये कर लीजिएगा, एक स्टेंजा चेंज है, उस स्टेंजा को भी देख लीजिए, वो थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है, क्या है कैसे है, ये स्टेंजा है, ये थोड़ा सा चेंजिंग है, पॉज से लीजिएगा, ये कॉर्ड सितारे झिल, यहाँ से सितारे झिल प प प मारे सितारे झिल मिला उठे सितारे झिल मिला उठे चरागे जग मगा उठे ठे, अगर गला में आ रहा है नहीं तो सिंपल ही भी ले सकते हैं, सितारे झिल मिला उठे चरागे जग मगा उठे, ये भी कर दो उठा उठे ठे, थोड़ा ठे में रुक के आगे बढ़ सकते हैं, रे जग मगा उठे, ये भी कर सकते हैं, नहीं तो ठे ये कर सकते हैं, आगे बस अब ना मुझको रोकना ना, क्या क्या सुर लगा, बस अब पानी बस अब ना मुझको पानी नी निशानी रे बस अब ना मुझको रोकना रोकना रोकना, यहाँ नी सा ध पा मा पा, उसके बाद रो रो
बढ़ के राम। बस अब ना मुझको टोकना, पहला लाइन बस अब ना मुझको टोकना ना बढ़ के राह रोकना। तीनों नु मामा ग ना बढ़ के राह रोकना ना मामा मागा। उसके बाद अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी यही, पहला वाला नोट है यही कहोगी यही क्या था यही यही कहोगे तुम सदा यही कहो यही कहोगे तुम सदा के दिल अभी नहीं भरा जो खत्म हो किसी को, पहला सुर है किसी जगह ये ऐसी सिलसिला नहीं 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 ये इसको करो ओके। और जहाँ कठिनाई हो तो फिर इसी स्वर स्केल में उसको ढूंढ के ओरिजिनल इफेक्ट लाने की कोशिश करना है, ताल और स्वर जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से करना है। कमेंट जरूर करना है।